L of 3. तो हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ जी जो थे एक फिजिक्स के वह कह सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड एक प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मींस करंट अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाता है ना जी। करंट ज्यादा फ्लो होगा तो वोल्टेज आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब करंट अगर घट जाए वोल्टेज कम होगा। यानी कि आप लोग घर पे भी देखे हो कि कभी कभी क्या होता है वोल्टेज डिम वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज, ठीक है। यानी केवल फिलामेंट बल्ब का जलता है, बहुत कम प्रकाश लाइट वगैरह आता है। तो उस केस में करंट का जो फ्लोइंग है आपके घर में वह कम होता है, और कभी क्या होता है हाई स्पीड में फैन चलने लगता है, वोल्टेज ज्यादा आ गया। दैट मीन्स वोल्टेज ज्यादा आया यानी कि करंट का जो फ्लोइंग हुआ वह क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसके बारे में जो सबसे पहली बार जो था वह कौन बताए थे, वह ओम बताए थे। ओम क्या बोले थे कि आपका जो करंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। आप जानते हो कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, वह ऑपरेट होता है वह जो दिया हुआ है, जो कंपोनेंट दिया हुआ है उस कंपोनेंट के साथ। अगर दो कंपोनेंट मान लो कि ए एंड बी जो है वह प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो यह क्या क्या केस हो सकता है, वह अपने जरूरत के अनुसार कोई भी कांस्टेंट टर्म जो यूज करते हैं अपने जरूरत के अनुसार यूज करते हैं। अगर प्लस का जरूरत है प्लस दे के वह जो है इक्वलाइज हो रहा है दोनों के तो प्लस डालेंगे, माइनस हो के या दोनों इक्वल हो रहा है तो माइनस डालेंगे, अगर मल्टीप्लाई होके इक्वल हो रहा है तो किसी एक में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड होके वह इक्वल हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यह भी हो सकता है के प्लस बी, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट। या ऐसा भी हो सकता है ए इक्वल टू बी माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट, अल्फा इज कॉन्स्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है ए इक्वल टू बी बाई बीटा, यहाँ पे बीटा जो है वह आपका बीटा इज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा बी यानी कि डेल्टा जो है वह इज अ कॉन्स्टेंट। तो हम देख रहे हैं कि इक्वलिटी अगर उसको इक्वलाइज किया जाए, इस प्रोपोर्शनलिटी को के बदले हम लोग प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसके बदले अगर इक्वल डाला जाए, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के अलावा के जगह पे हम लोग इक्वलिटी का को अप्लाई करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, वह एक कॉन्स्टेंट टर्म जो है ऑपरेट होता है। और कैसा भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका डिवाइडेशन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी चीज आपका हो सकता है। और जिसका हमको जरूरत है, ठीक है, बस हम अपने जरूरत के लिए ऐसा करते हैं, देखते हैं कि प्लस वन प्लस करने के बाद बहुत इजी वे से हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं तो प्लस कर देते हैं, अगर माइनस करने के सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है इजीली हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं तो हम लोग माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, अगर डिवाइडेशन इजी वे में वह कवर हो जाता है तो डिवाइडेशन करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपका कि आई जो है प्रोपोर्शनल है वह किसके, बी के। यानी कि करंट जो है वह प्रोपोर्शनल है आपका बी के। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि बी इक्वलिटी का सिंबल है और यह आर आई। यह मल्टीप्लाई करने के बाद यह देखा गया, एब्जॉर्ब किया गया, वह संतुष्ट हो रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म
का जो ऑपरेशन हो रहा है इक्वलाइज करने पे, वह मल्टीप्लिकेशन के सेंस में ज्यादा मोर इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और ज्यादा हद तक वह कांस्टेंट टाइप में आ रहा है, कहीं कोई भारी भारी नहीं कर रहा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ आर जो है, आर इज अ कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भी जो हो गया, इसका एक नया डिफिनेशन यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट, यानी कि ओम्स लॉ ओम के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन दिया गया, एक नया टाइप का डिफिनेशन, वह क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट इज कॉल्ड आपका पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, ओम्स लॉ के द्वारा करंट का जो डिफिनेशन दिया गया, वह एक नया करंट का डिफिनेशन, वी अपॉन आर इक्वल टू आई, यानी द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बाय ओम्स लॉ। अब रेसिस्टेंस का डिफिनेशन ओम्स लॉ के द्वारा वी अपॉन आई, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। तो इस ओम्स लॉ के द्वारा, इस ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग इसको किसको वेरीफाई कर लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को और रेसिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम लोग, या तो समझाने का क्रम था, अब फटाफट जो है आप लोग क्या करोगे, लिखते चले जाना। इसको यह चीज जो है आप लोग जो है नोट पॉइंट में यह पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक चीज देखिए, क्या कह रहा है आपका कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ क्या किया कि द इलेक्ट्रिक करंट या फ्लोइंग ऑफ करंट, द फ्लोइंग ऑफ करंट is directly proportional to potential difference directly proportional to the potential difference across its end where temperature end at कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डायरेक्टली पहले बचा क्या लिखोगे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इफ आई एंड बी आर करंट amount of flowing current and potential difference then
प्रोपोर्शनल बी। ये सिंपलाइज करेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल आई। इक्वलिटी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वलाइज करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म से ऑपरेट करेंगे, यानी कि आर आई, वेयर आर इज प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, इट इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। इसको ऑल्सो क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको दे देंगे या इक्वेशन फर्स्ट ले देंगे। दस बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फर्स्ट नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड फ्लोइंग ऑफ करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां बाय ओम्स लॉ ब्रैकेट में लिख देंगे, या तो यहां पे लिखे नहीं है काय के लिए लिखेंगे, सेकेंड नंबर। अब क्या करते हैं, दैट इज यहां पे दैट इज बी इक्वल्स टू आर आई। नेक्स्ट नंबर, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। That is, अब देखिए यहां पे क्या है, यह R नीचे आएगा तो I इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा, यानी I इक्वल टू बी अपॉन आर। इसको भी लाइन कर लीजिए, अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे थर्ड जो है रेजिस्टेंस, ओम के द्वारा रेसिस्टेंस के बारे में जो बताया गया वह क्या चीज है, और रेसिस्टेंस जब भी सीखेंगे दूसरा चीज सीखने वाले हैं कि रेसिस्टेंस आखिर बोलते किसको है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस आपका होता क्या है, यह सारा चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर जो देखेंगे कि क्योंकि आप लोग जानते हो अभी जस्ट हम लोग देखे कि v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, v इक्वल टू आई आर होता है। इसको हम लोग कर सकते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आई होता है, ठीक है, r इक्वल टू v अपॉन आई होता है, या भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और यह क्या है करंट है। तो दस दस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
डिफरेंस पर यूनिट फ्लोइंग ऑफ करंट at constant temperature is called resistance. In other words, the difference between the difference now ratio correct difference now okay the ratio between किसके किसके बीच का the potential difference and electric current at constant temperature is called resistance. यहाँ पे तीसरा नंबर में एक चीज दे देना कि रेसिस्टेंस। अब एक चीज देखिए, इसको समझिएगा कि आखिर रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक तरह का वर्क डन है कि दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा या चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज या चीज देखे। और करंट जो है, करंट क्या होता है, तो फ्लोइंग ऑफ चार्जेस पर सेकंड जो होता है, पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस जो हो गया कि जितना फ्लोइंग ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज हुआ उस वर्क डन को रोकने के लिए एक फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, वह अपोजिट फोर्स जो होता है वह लगता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में कुछ जो है अपोजिट फोर्स जो है वह अप्लाइड होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप चलते हो, ठीक है, जब आप चलते हो आगे की तरफ, आपके पैर, आपका जो पैर है वह आगे की तरफ चलता है, लेकिन आपके अपोजिट में एक फोर्स भी अप्लाइड होता है, ठीक है, जो कि जस्ट जो है आपके अपोजिट में होता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और यह फोर्स अगर ना हो तो आप लोग चल भी नहीं पाओगे, ठीक है, वह आप चल ही नहीं पाओगे, वह फोर्स जो अपोजिट फोर्स जो है वह होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो आप लोग ना चल पाओगे, ना रुक पाओगे, ना खड़े हो पाओगे। ठीक है, तो यह रेसिस्टेंस जो है अ टाइप ऑफ फोर्स ही है, और वह किस टाइप का फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है। यही रेसिस्टेंस जो है यह जिम्मेदार है। आप लोग देखते होंगे कि वायर जो होता है, ठीक है, जब लाइट आता है, उसके बाद लाइट आने के बाद जब करंट का फ्लोइंग होने लगता है, उसको अगर छुओगे तो वह वायर जो होता है वह गर्म हो जाता है, गर्म होता है, ठीक है, क्यों गर्म हुआ, दैट मीन्स एक अपोजिट फोर्स उस पे वर्क कर रहा है। जब फ्लोइंग ऑफ चार्ज, आपका चार्ज जब इंटर किया, रन किया उस वायर से, तो उस वायर पे उस चार्ज के अगेंस्ट में एक क्या है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। वह कौन सा फोर्स होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यही तो आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। और बाय हम लोग किसके द्वारा, तो ओम के द्वारा। ओम क्या बोला था, V=IR इतना कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, और वही जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्या था, रेसिस्टेंस था, इज कॉल्ड ऑल्सो रेसिस्टेंस। तो हम लोग देखिए मैथमेटिकली V=I×R है, तो R=  क्या होगा, यह प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, यानी कि V/I हो गया। तो इसका डिफिनेशन, यही V/I इज कॉल्ड R,
वी अपॉन आई इक्वल टू आर, दैट मीन्स दस हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम नहीं है, पर यूनिट क्या है आई करंट, पर यूनिट करंट यानी क्या करंट कौन सा फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है, पर यूनिट फ्लोइंग करंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वह क्या कहलाएगा रेसिस्टेंस। दूसरे अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इस कॉल्ड क्या कहलाएगा रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं, ठीक है, यूनिट इट्स एसआई यूनिट इज ओमेगा, इसको क्या बोला जाता है ओमेगा, और बहुत सारे बुक में कुछ बुक में डायरेक्ट ओम भी बोल देता है, इसको क्या बोलते हैं ओम भी बोल देते हैं, ओमेगा बोलो या ओम बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यह जो ओम है इसका जो डिफिनेशन क्या होगा, या एक ओम जो है ओम के बराबर होगा क्या, ठीक है। अब देखिए कि वन ओम इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है वन वोल्ट अपॉन करंट का क्या होता है एम्पियर होता है वन एम्पियर, तो कह सकते हैं वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर वन एम्पियर करंट इज कॉल्ड वन ओम, ठीक है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर वन एम्पियर करंट इज कॉल्ड वन ओमेगा, यानी कि वन ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ऐसे लिख लीजिए, यूनिट ऑफ आर, आर कहने का मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है। आज की कहानी समाप्त।